एवरीवन, टुडे आई एम टेकिंग रोटेशनल मोशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन में क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं, क्या चेंज होता है। रोटेशनल मोशन इज दैट मोशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस और एन ए पॉइंट, किसी पॉइंट या किसी अबाउट एक्सिस के इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये मूव कर रही है, ये रोटेट कर, मूव करना स्ट्रेट लाइन में जाना तो ये तो आपका लीनियर मोशन हो गया, बट इट इज़ मूविंग इन दिस पॉइंट, इट मीन्स अबाउट दिस पॉइंट इट इज़ रोटेटिंग इन दिस वे, सो दिस इज़ द मोशन, रोटेशनल मोशन। अब नाउ रोटेशनल मोशन व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग, तो देन हाउ मच फोर्स वी आर अप्लाइंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, इट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और टॉर्क यू कैन राइट आर क्रॉस एफ साइन थीटा। सपोज आर इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड एफ इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो देन इन दोनों से बना हुआ जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है इस मोमेंट ऑफ फोर्स की बताएगी। अब इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी इज लीनियर मोमेंटम, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। सिमिलर हीयर जे इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा विद यूनिट वैक्टर, आर और पी से जो बना हुआ आपका प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। जे को हाउ कैन यू राइट इन दिस वे, जे एक्स आई जे वाई जे, ये किसी भी वेक्टर को लिखने का आपका तरीका है कि आप वेक्टर को लिख रहे हो, तो वेक्टर को लिख रहे हो तो यहाँ पे आप एरो बना के करोगे, ओके। इसी तरीके से पी का है तो पी पे भी हम एरो बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें जे को आर क्रॉस पी, तो पोजिशन वैक्टर यहाँ पर आर है एक्स आई जे वाई के, अब जो पहले चीज़ लिखी है आर पहले लिखी है, यहाँ पे भी आर पहले लिखी है, तो लिखने को सॉल्व करने का तरीका ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। फर्स्ट यू विल मेक टू वर्टिकल लाइन एंड बिटवीन दीज टू वर्टिकल लाइन फर्स्ट यू विल राइट व्हाट आई जे के, ये जो कि दोनों में मिल रहा है आई जे के, हेयर ऑल्सो आई जे के, फिर फर्स्ट वैक्टर है हमारा आर, तो आर के आई का कोफिशेंट, जे का कोफिशेंट, के का कोफिशेंट वी विल राइट हेयर। सिमिलर कोफिशेंट ऑफ आई जे के हेयर वी विल राइट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। सिमिलर हेयर एंगुलर मोमेंटम के लिए पी एक्स पी वाई पी जेड वी विल राइट। वेन वी विल सॉल्व, सपोज आई का कोफिशेंट हमें यहाँ लिखना है तो वी विल नॉट टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड वी विल मल्टीप्लाई वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड देन प्लस जे। जे के लिए वॉट विल वी डू, वी विल नॉट कंसिडर दीज टू लाइन बट नाउ वी विल गो इन दिस वे जेड एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स एफ जेड। देन फॉर के वी विल नॉट टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड सेम फॉर आई वी विल गो इन दिस वे आई सॉरी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सिमिलर हेयर द सेम हेयर बट एफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की जगह पी एक्स पी वाई पी जेड आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर दिस फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स हेयर एंगुलर मोमेंटम। दिस इज टॉक एक्स टॉक वाई टॉक जेड। सिमिलर हेयर जे एक्स जे वाई एंड जे जेड। नाउ हेयर इक्वेशन ऑफ मोशन दैट फॉर लीनियर मोशन वी नो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू प्लस एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब यहाँ पे नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा जीरो, सो ओमेगा जीरो एंड इन फाइनल वेलोसिटी इज अवर ओमेगा, सो इक्वेशन विल चेंज इन दिस वे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। जो रोल यहाँ ए प्ले ए कर रहा था लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा दैट वी विल हियर वी विल राइट ऑल ग्रीक लेटर्स अल्फा। सिमिलर इन प्लेस ऑफ एस वी विल टेक एंगल इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यू विल राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा थीटा। कीप इन माइंड ए की जगह एल्फा एंड डिस्टेंस की जगह थीटा आ जाएगा। जैसे एस था लीनियर डिस्टेंस तो एंगल आएगा, यू नो डी एस अपॉन डी टी वी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी थीटा अपॉन डी इज इक्वल टू ओमेगा। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, तो यहाँ पे एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा वी हैव डन इन सर्कुलर मोशन एंड A इज इक्वल टू आर एल्फा ऑल्सो देयर। अब आफ्टर दैट देयर द सो मेनी W इज इक्वल टू एफ डॉट डैश
that is the dot product of force and displacement. Here what will become, in place of the F हमेशा moment of force आएगा और S की जगह angle आएगा. अब यहाँ पे P is equal to F V, so now here it will come P is equal to I omega. P is equal to mv, small p, momentum की बात कर रहे हैं, and that was the power. So J is equal to will come in place of P and m replaced by I, moment of inertia, ये आप डिटेल में पढ़ोगे, and V will replace by omega. F is equal to mass into acceleration और F is equal to dp upon dt. Here it will Newton of second law, torque is equal to I alpha और torque is equal to dg upon dt. Now here what is the relation between torque and angular momentum? We will find this. This is very important. We know that J is equal to R cross P. Differentiate this equation. पर differential का हमें formula लगाना है कि जब product rule जो होता है जो differential में उसको लगाना है कि पहले को अगर differentiate कर रहे हैं पहले वाले को differentiate कर रहे हैं तो दूसरा वाला जब है उसको वैसे ही रख देंगे और जब पहले वाले को अब ऐसे ही रखेंगे तो दूसरे वाले को कर देंगे. सो डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू अवर हियर डी आर अपॉन डी टी क्रॉस वी पी सॉरी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी. अब डी आर अपॉन डी टी इज व्हाट, सिंपल वी, पी की जगह वी हैव रिटन एम वी, एंड हियर आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी इज व्हाट, फोर्स, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ. अब m यू कैन दे स्केलर क्वांटिटी, हियर यू कैन टेक v क्रॉस v प्लस दिस इज अवर मोमेंट ऑफ फोर्स. नाउ यू नो a क्रॉस a, b क्रॉस b, c क्रॉस c, सेम वेक्टर के साथ क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो v क्रॉस v विल कम जीरो, तो दिस फर्स्ट टर्म विल जीरो. इन दिस वे वी कैन से टॉक इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी. सो इट इज़ द for rotational motion. I hope so you understood.